चलिए फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम। यानी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नोटिस कीजिएगा, हर एक मैथ का, अभी तक हम मैथ पढ़ते हैं, जितना भी मैथ में हम जो भी चीज़ सीखते हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं नंबर सिस्टम पर। ये हमारा नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है और इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। नंबर सिस्टम में होता क्या है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। क्योंकि इस चीज़ में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि आप नहीं जानते हैं, उस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। इसके पहले ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो सारे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो के सारी मतलब मैथ से रिलेटेड जितने भी कॉन्टेंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और हर एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट दीजिए। बाकी मैं हर एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। संख्या पद्धति में होता क्या है, देखिए मैथ में हम चूंकि मैथ जब हम मैथ सॉल्व करते हैं तो मैथ में हम क्या करते हैं, जीरो से लेके नाइन तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जीरो से लेके नाइन तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसी तरह नंबर एट नाइन, जीरो से लेकर नाइन तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं संख्याओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, इन्हीं संख्याओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो मुझे यही पता करना है कि इन संख्याओं की अलग अलग कैटेगरी क्या है। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि जब हम इस संख्या की बात करते हैं, बात आती है कि हम किस सिस्टम का प्रयोग करते हैं, हम किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो हम दशमलविक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। दशमलविक प्रणाली का मतलब हम इसी जीरो से लेकर नौ तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं, यानी डेसिमल सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और ज़्यादातर हम देखेंगे, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में क्या आता है वो समझ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो हम मुख्यतः तीन प्रकार के नंबरों का प्रयोग करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से जो भी हैं उनके लिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो दोनों लोग के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग करूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में तीन प्रकार के नंबर का प्रयोग किया जाता है, तीन प्रकार के नंबरों का प्रयोग होता है। पहला होता है पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, यानी होल नंबर का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है फ्रैक्शन, यानी भिन्न संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कौन संख्याओं का प्रयोग करते हैं? भिन्न संख्या को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तीसरा होता है हमारा जीरो। क्या होता है? जीरो। तो अगर मैं बात करूं, तीसरा होता है हमारा दशमलव नंबर का प्रयोग करते हैं। तो पहला पूर्णांक, जैसे दो चार छः इस तरह के नंबर का प्रयोग करते हैं। भिन्न संख्या की जब बात आती है तो एक बटे दो, तीन बटे एक, तीन बटे दो, तीन बटे पाँच, इस तरह की संख्याओं का प्रयोग करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन या भिन्न संख्या बोलते हैं। दशमलव की बात आती है जैसे एक दशमलव पाँच, दो दशमलव तीन, चार दशमलव एक, इस तरह की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो मेनली जब भी हम मैथमेटिकल यूज करते हैं तो इन्हीं तीन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं सम्मिश्र संख्याओं का वर्गीकरण। अब नंबर की जितनी भी कैटेगरी की गई है उसको बोला गया है सम्मिश्र संख्या। क्या बोला गया है? सम्मिश्र संख्या। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, नंबर सिस्टम और यहां लिख दे रहा हूं संख्या प्रणाली और यहां लिख दे रहा हूं सम्मिश्र संख्याओं का वर्गीकरण। तो चलिए, अब मैं एक पूरी लाइन आपको ड्रा कर रहा हूँ, पूरा एक अलग अलग मैं क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूँ पूरे नंबरों का, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है, क्या होता है। तो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे कि नंबरों का वर्गीकरण जो जितने भी, देखिए क्या है, सबसे पहला है हमारा सम्मिश्र संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हम प्रयोग में लाते हैं वो सारी संख्याएं हमारी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। यानी जितने भी नंबर्स हम यूज में लाते हैं वो सब नंबर्स हमारा सम्मिश्र संख्या कहलाती है। और इन सम्मिश्र संख्याओं का वर्गीकरण मैंने कुछ इस प्रकार किया है।
तो इन संख्याओं को हम एक एक करके सारे संख्याओं को हम समझेंगे। तो नोटिस कीजिएगा, सबसे पहला समिश्र संख्याओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन संख्या? एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। यहाँ मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलूँगा, वास्तविक और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्या पहले हम बात करेंगे वास्तविक संख्या की। किसकी बात करेंगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। दुनिया का हर एक नंबर जिसको हम यूज में लाते हैं, जिसको हम प्रयोग करते हैं मैथमेटिकल टर्म में, वो हमारा वास्तविक संख्या है। संख्या रेखा कैसा होता है, तो देखिए यहाँ बीच में जीरो होता है, इसके दाएं साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाता है। लेकिन जब बात करते हैं जीरो के लेफ्ट साइड, तो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इस तरह से इनफाइनाइट तक चला जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं ये सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ये सारी संख्या हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो ये तो होता है वास्तविक संख्या, यानी हर एक संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए वास्तविक संख्या हो गया, अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या पे, इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर्स ऐसा नंबर, देखिए इमेजिन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ऐसी संख्या का प्रयोग हम मैथमेटिकल टर्म में करते ही नहीं है। लेकिन डिपेंड क्या करता है कि ऐसी संख्या का डिपेंड करता है कि हम प्रयोग किस तरह से सोचते किस तरह से, या फिर कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिसकी कोई परिभाषा ही ना हो, जिसकी कोई परिभाषा ना हो, पहला चीज हो गया जिसकी परिभाषा ना हो। दूसरा होता है परिमेय संख्या, कि अगर मैं एक मिनट सॉरी मैं काल्पनिक संख्या की बात कर रहा हूँ, मैं परिमेय पे आ गया। देखिए इमेजिन संख्या जिसकी कोई परिभाषा ना हो, हम ये कह सकते हैं। और काल्पनिक संख्या में कह सकते हैं कि किसी कोई भी संख्या जिसको हम ऋणात्मक संख्याओं का अगर हम वर्गमूल निकालें, तो ऐसी संख्या ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, इमेजिनरी संख्या। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ अंडर रूट 16 -16 है, अब बताइए अंडर रूट -16 क्या ये हमारी रियल नंबर है या इमेजिनरी संख्या है? तो ये एक इमेजिनरी संख्या है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अंडर रूट -16 अगर मैं इसका करूँ, इसका ये किसका वर्गमूल है, ये 4 का वर्गमूल है। अब 4 तो क्या मैं इसके आगे माइनस लगाऊँ या प्लस लगाऊँ, क्योंकि अगर माइनस लगाता हूँ तब भी माइनस माइनस के गुणा यहाँ प्लस होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे माइनस है। तो ऐसी संख्या प्रयोग के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर आपके एग्जाम में ऐसी संख्या का कोई प्रयोग होता नहीं। तो काल्पनिक संख्या ये एक काल्पनिक संख्या है जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। तो ये होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया, टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला गया और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला गया। अब परिमेय संख्या समझ लीजिए क्या होता है, देखिए परिमेय संख्या वो संख्या जिसको हम यहाँ पे अब हम परिमेय संख्या की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी बटे के फॉर्म में, एक नोमिनेटर हो एक डिनोमिनेटर हो, यानी एक अंश हो एक हर हो, लेकिन Q का मान इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए हर एक संख्या, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या पे जो भी जितने भी नंबर्स को, हर एक नंबर्स को हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित हर एक नंबर को हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए 2 है, तो 2 क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि मैं इसको 2/1 लिख सकता हूँ, इसके नीचे एक मान सकता हूँ, क्योंकि 1/2 बराबर तब भी इसका मान 2 ही होगा। अब चाहे 3/2 हो तब भी ये हमारा परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये होता है कि हर एक संख्या जो हमारा, हर एक संख्या वो हमारी परिमेय संख्या है, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, क्यू का मान जीरो का जीरो नहीं होना चाहिए, हर उसका जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या पे आ जाते हैं, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन ये आपको क्लियर होने वाला है। कैसे, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका, देखिए जो पूरी तरह से, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो, यानी पूरी तरह से विभाजित ना हो, पहला। दूसरा, जो आवर्ती ना हो,
जो आवर्ती ना हो, आवर्ती ना हो, समझिएगा इसको पहले समझा दे, जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो, यानी जो नॉट नाइदर टर्मिनेटिंग, जो पूरी तरह डिवाइड का मतलब नाइदर टर्मिनेटिंग, पूरी तरह से डिवाइड ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिख दूं 4/2 तो 2 × 2 = 4, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि 5/2 तो देखिए 5/2 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10 देखेंगे तो ये भी विभाजित हो जा रही, पूरी तरह से विभाजित हो जा रही, लेकिन दशमलव के बाद, या तो इस तरह से विभाजित होगी या तो इस तरह से विभाजित होगी। तो ये समझ में आ गया, जो पूरी तरह से विभाजित ना हो वो होती है हमारी क्या, अपरिमेय संख्या। एक होता जो आवर्ती ना हो, आवर्ती ना हो, ये क्या है, आवर्ती का मतलब जो रिपीट ना हो, जो किसी दशमलव के बाद रिपीटिशन ना हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर कहूँ तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक संख्या ले रहा हूँ 10/3 10/3। अब 10/3 को देखेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 तीन बार गया एक बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 फिर कितना बचा, एक बचा तो 10 हो गया, फिर से 3 × 3 = 9 फिर से 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। तो देखिए हम बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि इसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब ये हो जाता है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है, ना कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रिपीट हो रही है। और जबकि यहाँ अपरिमेय में क्या कहेगा कि जो आवर्ती ना हो, जिसका रिपीटेशन ना हो। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसकी रिपीटेशन ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच वाली संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच वाली संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, तो अब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच वाली संख्या, उसको अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अंडर रूट 2 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे अंडर रूट 3 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अंडर रूट 6 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह की संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो आई होप कि आपको अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे परिमेय संख्या की बात हो चुकी है, अपरिमेय संख्या की बात हो चुकी है, अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा भिन्न संख्या। किसकी बात करेंगे हम, भिन्न संख्या की, यानी फ्रैक्शन। तो भिन्न संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे दे लीजिएगा, अगर मैं भिन्न संख्या की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि भिन्न संख्या जो वैसी संख्या होती है जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे ये संख्या रेखा हो गई हमारी, इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित जितने भी नंबर हो गए, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच जितने भी नंबर हो गए, इन सभी नंबरों के बीच का जो नंबर होता है उस नंबर को हम बोलते हैं भिन्न संख्या। कैसे, अब आप कहेंगे सर ये बताइए इन संख्या के बीच के कौन सा नंबर, तो मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूँ 1 से 2 के बीच कोई नंबर आता है, बिल्कुल आता है। 1 से 2 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो 1 से 2 के बीच पहले 1.1 आता है, फिर 1.2 आता है, फिर 1.3 आता है, फिर 1.4 आता है, फिर 1.5 आता है, इस तरह से 1.9 के बाद 2 आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो संख्या है, इस 1.2 को हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 12/10, दशमलव को हटा के नीचे एक जीरो लगा देंगे, यानी 12/10 हो गया। तो ये भिन्न संख्या हो गई कि नहीं होगी, तो बिल्कुल ये हमारा भिन्न संख्या हो गया। यानी भिन्न संख्या का मतलब संख्या रेखा के बीच प्रदर्शित, संख्या रेखा में प्रदर्शित जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबरों के बीच की संख्या को हम भिन्न संख्या कहते हैं। तो भिन्न संख्या वही होता है जिसको हम फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, कहने का मतलब जिसका डिवाइडेशन हो सकता है, जिसको डिवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है भिन्न संख्या के बाद, नेक्स्ट होता है हमारा पूर्णांक संख्या, इसको इंटीजर्स भी बोलते हैं। अच्छा पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो देखिए यहाँ पूर्णांक संख्या को मैंने बताया कि पूर्णांक संख्या वही होता है, पूर्णांक संख्या की बात करें तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक संख्या जो पूर्ण रूप से अंक में, यानी जिसका डिवाइड ना किया गया हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ तो जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 0 हो गया, 0 के इस साइड हो जाए -1 -2 -3, ये सारे पूर्णांक संख्या है, ये सारे कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इन पूर्णांक संख्या को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, कौन सा, ऋणात्मक, फिर दूसरा होता है 0, तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या।
पहला ऋणात्मक, ऋणात्मक जिसे देखिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, जीरो का मतलब शून्य की बात करी जा रही है और धनात्मक का मतलब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, यानी जीरो के दाएं साइड जो भी संख्या है। अब इन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को इन भागों में डिवाइड किया गया जिसको हम जानते हैं, लगभग हम सभी लोग जानते भी हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहला होता है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर, कौन सा संख्या, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है दोस्तों, यदि होल नंबर ऐसी संख्या होती है जो पूरी तरह यानी जीरो से लेके एक तक, जीरो से लेके नौ तक के बीच की संख्या होल नंबर कहलाती है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जब हम जीरो को ऐड कर देंगे, जीरो से लेके बाकी एक नौ तक की संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं, इसमें जीरो जुड़ जाता है। लेकिन जब नेचुरल संख्या की बात आती है यानी प्राकृतिक संख्या, तो इसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होता, यानी जीरो को छोड़कर। अब जीरो को छोड़कर एक से लेके, जीरो को छोड़ दिया जाए तो एक से लेके नौ तक की संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। यानी इसमें होल नंबर क्या होता है, होल का मतलब पूरा। अब पूरा में सभी गिनती को ले लिया जाता है, यानी जीरो को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। बट अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर देखिए नेचुरल नंबर क्यों, नेचुरल का मतलब जो पहले से ही हो, जो नंबर हमारे नेचर में पहले से ही अवेलेबल हो। तो एक से लेकर नौ तक की संख्या पहले से ही अवेलेबल थी, लेकिन जीरो तो बाद में आया ना, जीरो तो बाद में आया, तो जीरो जब बाद में आया इसलिए होल नंबर, जीरो को इन्वॉल्व करके होल नंबर दिया गया, लेकिन नेचुरल नंबर उस नंबर को बोला गया जिसमें जीरो शामिल नहीं होता। अच्छा अब बात आती है सम संख्या, तो सम सबको पता है कि जो दो से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए। तो अगर मैं सम की बात करूं, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मैं सम की बात करूं, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सम कौन सी संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या सबको पता है, सम संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, दो से विभाजित हो जाए, ठीक है, दो से विभाजित, या फिर जिसके अंत में जीरो दो चार छः आठ आ जाए। अगर किसी संख्या के अंत में जीरो दो चार छः आठ आ जाए तो वो सम संख्या होती है, या फिर सीधी सी बात करें दो से विभाजित हो जाती है। इसी तरह इसको हम इवन भी बोलते हैं, इवन नंबर इंग्लिश में इसको इवन बोलते हैं, विषम को हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, ऑड नंबर ऐसी संख्या जिसके अंत में ये सब नहीं होता, जिसके अंत में ये सब नहीं होता, या तो कह सकते हैं जो दो से विभाजित ना हो, जो दो से विभाजित ना हो, तो दो से विभाजित ना हो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। अब बात आती है भाज्य की, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पहले हम कर लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या, समझिएगा। प्राइम इसको बोलते हैं, अभाज्य क्या होता है, अभाज्य। देखिए किसी भी शब्द के पहले अगर आ लग जाता है तो आ का मतलब होता नहीं, भाज्य का मतलब विभाजित ना हो, जो विभाजित ना हो, किससे विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जैसे तीन ले लिया, तीन ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा ना कटे वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा ना कटे वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं कहूँ पाँच, तो पाँच एक से कटेगी और पाँच से ही कटेगी, स्वयं से कटेगी, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया प्राइम नंबर। लेकिन अब इसी का उल्टा हो जाएगा भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, जो एक पाँच और इसके अलावा भी किसी दूसरे नंबर से कटे, जो एक के अलावा स्वयं के अलावा और किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो, वो हमारा होता है भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ तो अभाज्य में क्या आ जाएगा, भाज्य में जैसे हमारा आ जाएगा चार छः आठ, ये सब भाज्य में आ जाएगा। अभाज्य में क्या आ जाएगा, दो तीन पाँच, कैसे, देखिए आठ एक से भी कटेगा, आठ से खुद कटेगा, चार से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, छः तीन से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, एक से कटेगा, छः से भी कटेगा। तो यानी कुल मिला के देखेंगे तो तीन से चार फैक्टर इसके निकल के आ रहे हैं, इसके भी तीन से चार फैक्टर निकल के आ रहे हैं, चार का भी तीन फैक्टर निकल के आ रहा है, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा। लेकिन इन सब का संख्या जो अभाज्य संख्या है, ये केवल एक या मतलब एक से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, इस तरह की संख्या को हम बोलते हैं भाज्योम अभाज्य संख्या। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि नंबर्स कैसे का, नंबर्स का क्या फीचर है इन लोगों के, इनका क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो इसके आगे की वीडियो अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ अगर आप पहले व्यूवर्स हैं, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको डिटेल के साथ साथ ट्रिक भी बताता हूं, अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करने का मतलब ये हो जाता है कि जो रेड आइकन है उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप हमसे जुड़ जाते हैं, और जुड़ने का मतलब ये होता है कि आप अब हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आपने बेल आइकन का बटन
प्रेस किया है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लेते आऊँगा, ठीक है, लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।